और अगर आप सब्सक्राइबर्स हमारे नहीं हैं या फिर आपने बेल आइकन भी नहीं प्रेस किया, ज़रूर कर लें। दोनों चीज़ें आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करें हमारे हर वीडियोस की। आज जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे, एक केमिकल की बहुत ही शानदार कंपनी, हो सकता है कुछ लोगों को मालूम भी हो तो समझ गए होंगे प्रोडक्ट्स देख के। बेसिकली ये लाइफ साइंस है और केमिकल्स के ज़बरदस्त प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है और इसके काफ़ी डिमांड है, काफ़ी सप्लाई है। 71 ईयर्स से कंपनी है, 900 प्रोडक्ट्स हैं, 6,000 इसके कस्टमर्स हैं, 3,000 एम्प्लॉयज़ हैं इसके। और आइए, तो जनरली इस कंपनी के बारे में बताने का मेरा एक ही मकसद था कि इसके पहले भी मैं इसके वीडियोस बना चुका हूँ। तो होता क्या है कि कुछ जो नए क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं या एनुअली भी हम अपडेट करते रहते हैं ताकि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता पड़ता रहे, जो इन्वेस्टर्स भी हैं और जो नए लोग भी जुड़ते हैं उनको भी मालूम पड़ता है इतनी शानदार कंपनियों के बारे में। हाँ, हालांकि मैं आज लेने या बेचने की बात नहीं कर रहा है इस स्टॉक में, तो पहले हम प्राइस वाइज चलेंगे कि आज का जो प्राइस है 3591 के भाव पे और 5 अगस्त 2019 3:45 मार्केट बंद हो चुकी है। 52 वीक जो लो था 2830, हाई था 4149 यानी 4150 के आसपास। और अगर हम यहाँ पे इसका स्टैंड अलोन का देखते हैं, मार्केट कैप है 10,650 करोड़, एक मिड कैप कंपनी है, पी रेशियो 22 का, इंडस्ट्री पी 15 का, ईपीएस है 159 का और प्राइस टू बुक है 4.02 की, डिलीवरी है 64%, 10 की फेस वैल्यू है इसकी। और अगर हम क्वार्टर क्वार्टर कंपेयर करते हैं कंसोलिडेटेड, हाँ देखिए, कर्जे के नाम पे इतनी बड़ी कंपनी है, सिर्फ 52 का है तो बहुत ही कम कर्जा है, जबकि इनका नेट प्रॉफिट ही शानदार रहता है। तो अगर हम मार्च 19 से जून 19 में कंपेयर करें तो नेट सेल्स में भी देखिए यहाँ पे थोड़ी सी जो है डाउन साइड दिख रही है, जबकि 1,058 करोड़ की मार्च 19 में थी, वहीं जून 19 में हो गई 1,040 करोड़ की। और नेट प्रॉफिट जहाँ 111 करोड़ के आसपास था मार्च 19 में, वहीं बढ़ के हो गया जून 19 में 147 करोड़ की, एक शानदार बढ़त है। और ये अगर हम इसके एनुअली रिजल्ट्स देखते हैं ईयर ऑन ईयर जून 18 से जून 19 के, तो देखिए जून 18 में 912 करोड़ की नेट सेल्स, जून 19 में 1,040 की यानी 14% की अपसाइड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 58% के आसपास की अपसाइड है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट भी शानदार रहा, जो जून 18 में था 81 करोड़ का, वहीं हो गया 147 करोड़ का शुद्ध लाभ, तो 81% की अपसाइड है। और मार्जिन में भी देखिए यहाँ पे 6.46% की ज़बरदस्त अपसाइड है, तो बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अतुल लिमिटेड इस कंपनी का नाम है, अतुल लिमिटेड। और अब कहते होंगे आपकी 3591 यानी 3,591, 3,500 के आसपास का प्राइस का मैं स्टॉक आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, नो डाउट रिटेल निवेशक के लिए थोड़ा सा महंगा इसलिए पड़ता है क्योंकि उनके पास कम बजट होता है, तो जो बजट होता है अगर उन अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कंपनियों के रखते हैं, तो अगर ऐसी बड़ी कंपनियों के थोड़े भी स्टॉक्स रख लिए तो उनका बजट हिल जाता है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जिस कंपनी में पोटेंशियल होता है, जिस कंपनी की वैल्यू अच्छी होती है, वैल्यूएशन के हिसाब से अगर उनका स्टॉक प्राइस हम देखते हैं, जज करते हैं, जिस प्रकार से उनके रिजल्ट्स आते हैं, जिन प्रकार से उनके प्रोडक्ट्स हैं, मैनेजमेंट है, जिस प्रकार से उन पर कोई कर्जा नहीं है, जिस प्रकार से उनकी शेयर होल्डिंग है, जिस प्रकार से उनका नेट प्रॉफिट है, उस प्रकार से प्राइस कुछ नहीं होता भाई। खरीदार खरीदते हैं, बेचने वाले बेचते हैं, जब कोई बेचता है तो आप खरीदते हैं, तो इस तरीके से बिड लगती है तो प्राइस अपने आप अच्छा जाता है ऊपर। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 44% की है, लेकिन थोड़े से शेयर्स गिरवी हैं 4.52% की है। ये यहाँ पे क्यों बिल्कुल बताना चाहिए। और म्यूचुअल फंड से यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स हैं 22 स्कीम्स हैं, FIIs 90 हैं इसमें, और इंडिविजुअल्स हैं 20% के आसपास। एक शानदार डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से इन्होंने अभी जुलाई में दिया इस वर्ष का, और अपनी इंडस्ट्री में थर्ड नंबर पे है, तो एक बेहतरीन कंपनी है अतुल लिमिटेड मेरी निगाह में। क्योंकि जिनको ये पसंद है, जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखा है, वो ज़रूर बने रहे,
इसमें बेचने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और आज भी मार्केट में काफ़ी गिरावट रही, उसमें भी देखिए हरे के निशान पे है, क्योंकि इनके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। और अगर हम रिटर्न 10 साल के भी दिखा दें, क्योंकि कई सब्सक्राइबर्स कहते रहते हैं सर रिटर्न भी बताया कीजिए, देखिए 10 सालों में 5,232 करोड़ के रिटर्न है, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया था तो आपके 1 लाख रुपए बन चुके हैं, अगर आपने 10 वर्ष पहले लगाए थे तो 53,32,000 के आसपास के बन चुके हैं। तो संभवतः किसी ने 2 लाख लगाया था तो उनको 1 करोड़ पार हो गया था। तो जो अच्छी कंपनियों में लोग इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले लंबे समय में काफ़ी उनको अच्छा मुनाफा होता है। प्लस जो डिविडेंड पे कर रही है हर वर्ष, वो तो आपके लिए एक प्रकार से लाभ ही लाभ है ना। तो बेहतरीन कंपनी है। अब मैं पिछले वीडियो में इसके केमिकल्स में डिटेल्स में मैंने बताया था, तो आज शायद ना बताऊं क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। मुझे सिर्फ इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स ही अपडेट करने थे और वर्तमान स्थिति क्या है क्वार्टरली और एनुअली। तो इस प्रकार से अब सेल्स ग्रोथ देखिए इसके 18% के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी है इसकी 17% के आसपास, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 87% से के आसपास। तो बेहतरीन कंपनी है और जो लोग बने हैं बने रहें। ख़रीदारी की अभी इसलिए मैं सलाह नहीं देता क्योंकि कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी है, क्योंकि मार्केट में अभी कभी काफ़ी लगातार गिरावट है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि निवेशकों का पैसा फंसे। हाँ, लेकिन हाँ, निवेशक देखिए अगर डिटरमाइन है कि उन्हें अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो ऐसी कंपनियों पे फोकस करें। मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स रखेंगे तो आपको 10 वर्षों में पेशेंट के साथ पे वो पेशेंस के साथ धैर्य के साथ तो आपको अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। और यही नहीं कि ऐसा, मैं सिर्फ अतुल इंडस्ट्री, मैंने आरती इंडस्ट्री के बारे में बताया, मैंने विनाती ऑर्गेनिक्स के बारे में भी रिव्यू दिया है, वो भी दोनों शानदार कंपनियाँ हैं केमिकल की, और मैंने दीपक नाइट्राइट के बारे में भी बताया है, तो एक छोटे प्राइस का भी स्टॉक है। ऐसे मैंने कई, इवन मैंने एक तो 50 रुपीज़ का स्टॉक बताया था, उसका नाम है ब्लैक रोज केमिकल्स। तो ऐसे हर तरीके के केमिकल्स इंडस्ट्री में अलग अलग प्राइस के स्टॉक्स हैं जिनके बारे में मैंने रिव्यू दिया। जिनको बहुत इंटरेस्ट हो केमिकल के, हालांकि मैं मानता हूँ कि केमिकल बहुत ज़बरदस्त इनमें पोटेंशियल होता है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स ही ऐसे होते हैं जो बिकने बिकने हैं, कुछ अच्छी कंपनियों के बहुत कम ही हैं जिनके फंडामेंटल्स कम अच्छे हैं, बाकी बहुत अच्छी कंपनियां हैं केमिकल सेक्टर में। तो मुझे लगता है कि इस सेक्टर में आगे आने वाले समय में जब सेक्टर ही काफ़ी अच्छा कर रहा होगा तो ये बहुत ज़्यादा छोटी जो माइक्रो कैप कंपनियाँ हैं जो दब गई हैं इस गिरावट में, उनमें काफ़ी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो नज़र बनाए रखें आप फ्रेंड्स, और मैं आज यहीं पर अपना वीडियो वाइंड अप करता हूँ। अतुल लिमिटेड एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा था। और एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से, कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या आप खुद की भी स्टडी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।